अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद सीमा में वेलकम। अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ सीख कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। सीख कबाब हम फ्राई पैन में बनाएंगे, कोयले और सीहों के बगैर बनाएंगे, बहुत ही मज़े के बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ के जी कीमा लेंगे, 20% फैट के साथ लेंगे। आप जब भी कबाब बनाएं तो फैट का इस्तेमाल ज़रूर करें, फैट कीमे में ज़रूर ऐड करें, इससे कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, रूखे रूखे बिल्कुल नहीं बनते। हाफ प्याज लेंगे चॉप की हुई, सब्ज़ धनिया लेंगे कटा हुआ, सब्ज़ मिर्चें लेंगे बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें लेंगे 1/2 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1/2 टेबल स्पून, आप हसबे जायका भी ले सकते हैं, गरम मसाला लेंगे पिसा हुआ 1/2 टेबल स्पून लेंगे गरम मसाला, बेसन 2 टेबल स्पून लेंगे, हल्दी 1/2 टेबल स्पून लेंगे, 1 अदद अंडा लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अंडा और बेसन डालने से कबाब टूटते नहीं, बिल्कुल परफेक्ट कबाब बनते हैं। मिक्सचर रेडी हो गया है। फॉइल पेपर की स्टिक्स बनाएंगे। इस तरह फॉइल पेपर को फोल्ड करेंगे। इस तरह इसकी स्टिक्स बना लेंगे। कीमा लेकर स्टिक इसको ऊपर रखेंगे। स्टिक को कीमे से कवर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करेंगे। इस तरह हम सारे कबाब बना लेंगे। फ्राई पैन में घी गरम हो गया है, कबाब हम शैलो फ्राई करेंगे। एक एक करके कबाब फ्राई करेंगे। पैन में रखेंगे, फ्लेम लो पर रखेंगे, 3 मिनट तक एक साइड पकाएंगे। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरे कबाब इस तरह फ्राई कर लेंगे। कबाब को कोयले का धुआं देंगे, इससे कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। फाइल पेपर पर जलता हुआ कोयला रखेंगे, कोयले पर 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और फौरन इसको कवर कर देंगे। आप किसी कटोरी में या फिर चम्मच पर भी कोयला रख सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक हम इसको कवर करके रखेंगे। सीख कबाब फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे। सीख कबाब को निकाल कर फायर पेपर की स्टिक्स निकाल देंगे। इस तरह हमने स्टिक्स निकाल लेनी है, इजीली स्टिक्स कबाब से बाहर आ जाएंगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े के सीख कबाब बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।